choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to Avengers. तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रॉबी रिस के ऊपर की जाने वाली झाड़फूंक फेल हो गई, जिससे वो कार और रॉबी दोनों सीधा किंग ऑफ हेल जॉनी ब्लेज के सामने पहुंच गए। जब जॉनी रॉबी को एक रेस लगाने के लिए चैलेंज कर रहा था, तब बाकी लोग अवेंजर्स माउंटेन के साथ लड़ रहे थे, और जब उन्होंने अवेंजर्स माउंटेन को फिर से ठीक किया तो उन्हें पता चला कि ये एक और घोस्ट राइडर था और ये वाला कॉस्मिक था। हेल के अंदर रॉबी बाकी घोस्ट राइडर से बोलता है, वो तुम सब तो घोस्ट राइडर्स हो, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे यहाँ पे कितने घोस्ट राइडर्स हैं? तब वो कहते हैं, हम में से कुछ बहुत पुराने हैं, जिसका मतलब है कि हम सब मर कर भी मर चुके हैं, लेकिन मरने के बाद भी हम घोस्ट राइडर्स बने हुए हैं, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम शांति के साथ बैठ सकें। हमेशा ही इतने स्पिरिट्स ऑफ वेंजेंस होते हैं जितनों की जरूरत होती है, और उनके बारे में जितनी कम बात की जाए उतना ही अच्छा रहेगा। तभी कोई दूसरा घोस्ट राइडर बोलता है, अरे अरे इतना मत उलझाओ बच्चे को, इसे यहाँ रेस के ऊपर फोकस करने दो, इसे जॉनी ब्लेज को बुरी तरीके से हराना है। तब रॉबी ने कहा, हेल चार्जर अपने आप को रिपेयर कर रही है और अगली बार से मैं सावधान रहूंगा। तो उन्होंने कहा, ये भी हो सकता है कि अगली बार वो तुम्हारी सोल को ही बिखेर कर रख दे। जॉनी ब्लेज इतना ही कमीना है, वो काफी लंबे टाइम से घोस्ट राइडर रह चुका है। हेलफायर उसके दिमाग को करप्ट कर रही है, वो काफी डरावना और अजीब है। तब रॉबी अपनी कार के अंदर बैठ गया। उसने कहा, वो नहीं जीतेगा, वो जीत ही नहीं सकता, उसने मेरे भाई को धमकी दी, अगर मुझे हेल के हर एक डीमन का सामना भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। तो दूसरे घोस्ट राइडर ने बोला, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे भाई की जान ही दांव पे नहीं लगी है, उसके झूठ के ऊपर यकीन मत करना। हेल के अंदर शांति बनाए रखने के लिए उसे कोई पावर नहीं चाहिए। आज तक कोई भी अच्छा आदमी हेल का राजा नहीं बना। अगर जॉनी ब्लेज जीत जाता है तो ये मानकर चलना कि वो बुरा बनेगा, हर तरीके से बुरा। तो रॉबी बोलता है, ठीक है मुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी, बस ये मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट रेस होने वाली है, मैं सबसे डरावने घोस्ट राइडर के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो बाकी घोस्ट राइडर्स ने बोला, इतना भी मत सोचो, हम भी काफी डरावने पैदा हुए थे। इधर अवेंजर्स माउंटेन के अंदर अवेंजर्स कॉस्मिक घोस्ट राइडर के साथ लड़ रहे हैं, हालांकि ये घोस्ट राइडर इस यूनिवर्स का नहीं है। थोर ने कहा, चलो लड़ाई की शुरुआत की जाए। तो फ्रैंक कासल ने कहा, जानते हो पास्ट में ट्रेवल करने के बारे में सबसे चिढ़ाने वाली बात कौन सी होती है? मुझे उन्हीं घटिया लोगों को बार बार मारना पड़ता है। तो गाइस कॉस्मिक पावर का एक हमला और थोर दीवार तोड़ता हुआ दूर जा गिरा, उसके हाथ से म्योनियर छूट चुका था। फ्रैंक कासल ने कहा, वैसे अब मैं कहां पे हूं और मैं अवेंजर्स को मारना क्यों चाहता हूं? पिछली चीज जो मुझे याद है कि मैं जॉनी ब्लेज के साथ हेल में था और मैं उसके सामने इस तरीके से एक्टिंग कर रहा था जैसे वही मेफिस्टो हो, वो कहाँ चला गया? तभी शियाल पीछे से आकर फ्रैंक कासल का सिर हैमर पे दे मारती है, उसकी खोपड़ी हैमर के हैंडल में फंस चुकी थी। वो जोर से चिल्लाया। शियाल ने सोचा, इसके पास इतनी पावर है कि ये अवेंजर्स माउंटेन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है और थोर को दीवार के आर पार फेंक सकता है, मुझे भी अपनी पूरी ताकत से इसके ऊपर हमला करना होगा। हर एक पंच गामा बॉम्ब की तरह है, मैं इसे यहाँ से दूर भेज दूंगी। लेकिन तब फ्रैंक ने शी हल्क को जला दिया। शी हल्क ने सोचा, मैं पहले भी रॉबी की हेल फायर को सहन कर चुकी हूँ, लेकिन ये वो वाली हेल फायर नहीं है, आखिर ये किस टाइप के घोस्ट राइडर है? घोस्ट राइडर कहते हैं, इस हैमर को मेरे से बाहर निकालो। तो थोर ने कहा, खुशी से। थोर ने हैमर को अपने पास बुलाया, लेकिन फ्रैंक कासल की मुंडी भी उसके साथ चली गई। थोर ने पूछा, शायद अब तुम बताना चाहोगे कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? लेकिन फ्रैंक कासल थोर के ऊपर हेल फायर फूंकता है। थोर का हैमर उसके हाथ से छूट चुका था और इससे फ्रैंक की खोपड़ी भी निकल गई। उसने कहा, फ्रैंक कासल की खोपड़ी भी तुमसे ज्यादा मर्द है और उसकी बिना सिर वाली बॉडी भी इतनी कमजोर नहीं है। तो गाइस उसकी बॉडी शीहल को पंच करती है। शीहल ये देखकर हैरान थी। तब थोर उसकी तरफ बढ़ा, उसने कहा, ठीक है जब मेरा हैमर तुम्हारी खोपड़ी को फोड़ देगा तब बताना तुम कितने मर्द हो। तो फ्रैंक कासल कहता है, तुम और तुम्हारा यह उड़ता हुआ हैमर मुझे नहीं डरा सकते दोस्त, यकीन मानो जो भी कुछ तुम कर सकते हो कॉस्मिक फ्रैंक उससे अच्छा कर सकता है। तो गाइस फ्रैंक ने अपनी खोपड़ी को अपने पास बुलाया और उसे एक हैमर की तरह पकड़ते हुए शी हल्क के ऊपर हमला किया। फ्रैंक ने कहा,
मैं तुम दोनों को अपनी खोपड़ी से ही पीट पीट कर मार सकता हूँ। और मुझे ऐसा किए हुए काफी दिन भी हो गए। तब फ्रैंक ने अपनी खोपड़ी वापस लगा ली और कहा, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए और तुम जॉनी ब्लेस के लिए क्यों काम कर रहे हो। थोर बोलता है, हम तुम्हें यहाँ पर नहीं लेकर आए, लेकिन हम तुम्हें वापस जरूर भेज देंगे। हल्क बोलती है, थंडर स्मैश। उसने अपने मन में सोचा, हम हफ्तों से इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे थे, लेकिन आज पहली बार इसका इस्तेमाल होगा। तब क्या होता है जब कुछ गामा बॉम्ब्स की एनर्जी को थंडर गॉड की पावर से जोड़ दिया जाए, गामा लाइटनिंग। तो गाइस, थोर गामा लाइटनिंग की पावर से फ्रैंक कासल के ऊपर अटैक करता है और उसमें इतनी ताकत थी कि कॉस्मिक गोस्ट राइडर 10-15 कमरे तोड़ते हुए जा गिरा सीधा आयरन मैन के कमरे में। आयरन मैन वहां पे नहीं था। फ्रैंक ने कहा, तो तुमने मेरे ऊपर इस तरीके से हमला किया, मैं तो बस तुम लोगों को चिढ़ाने वाला था, लेकिन इसमें मुझे काफी दर्द हुआ। ठीक है, अब से मैं तुम लोगों के सामने अच्छे से पेश नहीं आऊंगा, अब मैं तुम सबको जलाऊंगा, अब तुम पावर कॉस्मिक का स्वाद चखोगे। लेकिन तभी उसने कैप्टन मार्वल को तेजी से अपनी तरफ आते हुए देखा। इधर रॉबी उसी रास्ते की तरफ जा रहा है जहां से जॉनी ब्लेस गया था। तभी उसके रास्ते में हेल के कई सारे डीमंस आ गए जिन्हें जॉनी ब्लेस ने ऑर्डर दिया था कि या तो वो इस कार को स्लो करें या फिर खुद मारे जाएं। हालांकि उनमें से कुछ मानते हैं कि ये नए वाला डेविल भी मेफिस्टो की तरह ही है, लेकिन मेफिस्टो ने कभी मोटरसाइकिल की सवारी नहीं की। इन्हें हेल चार्जर को रोकना है, अपने दांतों से उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं। लेकिन तभी डीमंस के सामने सबसे पहले वाला गोस्ट राइडर आया और उसने कहा, गोस्ट राइडर्स के चैलेंज को रोका नहीं जा सकता जब तक कि कोई जीत ना जाए, यही नियम है, मुझे पता है क्योंकि मैंने ही ये नियम बनाए थे। तब वहां पे बाकी सारे गोस्ट राइडर्स आए और इन डीमंस के साथ लड़ने लगे। कोई मोपेड पे था, कोई कार पे, कोई ट्रक, तो कोई टैंक लेकर आया था। उन्होंने रॉबी से कहा, इनको तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम जॉनी ब्लेस के पीछे जाओ और रेस के ऊपर से अपना पैर मत हटाना। उधर जॉनी ब्लेस एक संकरे रास्ते से गुजरता हुआ सोच रहा है, माफ करना रॉबी कि मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ रहा है, तुम इतने भी बुरे बच्चे नहीं हो, लेकिन तुम इन सब के लिए मुझे दोष नहीं दे सकते, तुम अपने अंकल को दोष दो। और तभी रॉबी वहां पे आ पहुंचा। उसने सीधा जॉनी ब्लेस की मोटरसाइकिल के ऊपर हमला किया और जाते हुए कहा, अब मेरा पिछवाड़ा चाट ले। जॉनी ब्लेस कहता है, स्टूपिड बच्चा, ये तक नहीं जानता कि मैं इसके भले के लिए ये सब कर रहा हूँ। यकीन मानो रॉबी रेस, अगर तुम इस रेस को जीत भी जाते हो तब तुम्हारी लाइफ और भी खराब हो जाएगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा क्योंकि अब मैं बड़े प्लेयर्स को बुला रहा हूँ। तो गाइस, जब आप हेल के राजा होते हैं तब हर एक मरा हुआ कमीना इंसान आपकी मुट्ठी में होता है, फिर चाहे वो 2 कौड़ी के टुच्चू मुच्चू लोग हों या फिर एक स्पेस जायंट। तभी जॉनी के सामने वाली जमीन फटने लगी और डार्क सेलेस्टियल कैलस द वॉइड उसके सामने खड़ा था। रॉबी द वॉइड के पंचों से बचते हुए कहते हैं, फिर से नहीं, ये तो कैलस द वॉइड है, फाइनल होस्ट वाला सेलेस्टियल, पिछली बार सारे एवेंजर्स मिलकर इसे रोक पाए थे। तब उस सेलेस्टियल के अंदर से आवाज आई, इस टाइम पे कैलस द वॉइड ये सब कुछ नहीं कर रहा रॉबर्टो। इमेजिन करो जब किसी गॉड की पावर को तुम्हारे दोस्ताना पड़ोसी सीरियल किलर के हाथों में दे दिया जाए, अब ये इमेजिन करो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। तब रॉबी को पता चला कि ये तो उसका अंकल एली था। एली ने कहा, तुम्हारे रेस यही खत्म होती है बच्चे। एवेंजर्स माउंटेन के अंदर ब्लैक पैंथर सब एवेंजर्स से कह रहे हैं, हम माउंटेन के ऊपर फिर से कंट्रोल कर चुके हैं, सारे डिफेंस सिस्टम फिर से काम कर रहे हैं, द सर्कुलेटर चार्ज हो रहा है ताकि हम इस घुसपैठिए को सीधा जेल के अंदर डाल सकें। क्या किसी और को पता है कि वो घुसपैठिए कहाँ पे है? तब कैप्टन मार्वल बोलती है, मैं उसी की तरफ देख रही हूँ और मैं इसके ऊपर इतनी ताकत की फोटोन ब्लास्ट से हमला कर रही हूँ कि खुद सूरज में भी छेद हो जाए, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा। तो ब्लैक पैंथर ने कहा, कैरोल, इस वाले घोस्ट राइडर के पास पावर कॉस्मिक है, हम मदद करने के लिए तुम्हारे पास आ रहे हैं। तो कैरोल ने बोला, भाड़ में जाए पावर कॉस्मिक, आज सुबह मैंने 2 कटोरे दलिया खाया था, मैं इसका कचूमर बनाकर रहूंगी। तो घोस्ट राइडर कहता है, लाइफ के अंदर एक एम होना अच्छी बात है, जहाँ तक मुझे याद है मेरा गोल हमेशा लोगों को मारना हुआ करता, जब तक कि मेरे पास सुपर स्पेस पावर्स भी नहीं आई थी, जब मैं सिर्फ फ्रैंक था और मेरे हाथ में एक गन थी। तो गाइस, फ्रैंक पास पड़े हुए टोनी स्टार के आर्मर का एक टुकड़ा उठाता है और उसे एक गन बनाकर कैप्टन मार्वल के ऊपर कॉस्मिक पावर का हमला करने लगता है। अब तक थोर और शी हल्क भी वहां पे पहुंच चुके थे। कैप्टन मार्वल ने कहा, मैं कितनी बार टोनी को कह चुकी हूँ कि अपने कपड़े इधर उधर मत फेंका करो, और रुको, ये गोस्ट राइडर कुछ कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये किसी को बुला रहा है।
तभी वहाँ पे घोस्ट राइडर की कॉस्मिक हेलफायर की मोटरसाइकिल आई। वो कैप्टन मार्वल को गिराते हुए सीधा फ्रैंक के पास पहुंची। फ्रैंक ने कहा, अब आ जाओ मैदान में, वेलकम बैक डार्लिंग, अब तुम्हारे पिछवाड़े पे लात पड़ने वाली एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। कैप्टन अमेरिका कहता है, वो अब भी इतना ताकतवर है कि हमारे सबसे ताकतवर एवेंजर्स का डटकर मुकाबला कर सकता है, हम उसे कैसे रोकेंगे? तो ब्लैक पैंथर ने कहा, बस अपने ऊपर भरोसा रखो, या फिर अपने उस सूट के ऊपर जिसके ऊपर सर्किट्स बनाकर मैंने उसमें सेलेस्टियल एनर्जी डाल दी है। अब तुम्हारे एक एक पंच के अंदर अवेंजर्स माउंटेन जितनी ताकत है। तो कैप्टन ने कहा, तो हम उसे पंच करेंगे, मुझे तुम्हारा प्लान काफी पसंद आया मिस्टर चेयरमैन। तो ब्लैक पैंथर ने कहा, तब तो तुम्हें ये भी पसंद आएगा, अवेंजर्स असेंबल। तो गाइस, इन दोनों ने मिलकर अवेंजर्स माउंटेन जितनी ताकत से फ्रैंक कासल के ऊपर हमला किया। डेमन और ब्लेड छुप कर ये सब देख रहे थे। डेमन कहता है, ये कमीने घोस्ट राइडर्स तो और भी कमीने होते जा रहे हैं, इस मेफिस्टो का तो कुछ काम बांधना पड़ेगा, लेकिन तुम यहाँ पर छुपे हुए क्यों बैठे हो? तो ब्लेड ने कहा, पावर कॉस्मिक स्पेस गॉड मम्बो जम्बो, ये मेरे टाइप की लड़ाई नहीं है एलस्ट्रॉम, अच्छा होता कि मैं हेलफायर के साथ लड़ता, तभी बॉय थिंग कॉस्मिक घोस्ट राइडर को पकड़ लेता है। लेकिन फ्रैंक कासल ने उसे भी जला दिया। उसने कहा, क्या तुम लोगों को लगा कि ये पौधा मुझे हरा सकता है? तुम्हें अवेंजर्स किसने बनाया? तो डेमन ने ब्लेड से कहा, देखा तुमने, उसने हेलफायर का यूज किया, क्या अभी ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है? तो ब्लेड ने कहा, अब तो ये मेरी ही लड़ाई है, फ्रैंक कासल कह रहा है। क्या तुम लोगों को सच में लगा कि तुम एक मरे हुए सेलेशियल की छोटी मोटी ताकत से मुझे रोक लोगे? मैं उन सेलेशियल्स का भी दिमाग फाड़ चुका हूँ, और उनका भी, जिनका दिमाग मून जितना बड़ा था। लेकिन तभी उसकी मोटरसाइकिल के ऊपर हमला हुआ, वो अचानक से नीचे गिर गया। तो गाइस, ये ब्लेड था, फ्रैंक ने कहा, क्या तुमने मेरी बाइक के ऊपर गोली चलाई? मुझे लगता है कि तुम तड़प तड़प कर मरना चाहते हो, और आखिर ये कौन से टाइप की गन है? तभी ब्लेड ने फिर से गोली चलाई जो फ्रैंक के कंधे को घायल करती हुई गई। ब्लेड ने कहा, ये वो टाइप की गन है जो चलती फिरती हड्डियों के अंदर छेद करती है, अब तुम मुझे बताओ कि अगला छेद कहाँ करना है? तो फ्रैंक कासल बोलता है, ठीक है, अब मुझे अवेंजर्स थोड़े से पसंद आ रहे हैं, शायद तुम लोगों को मेरे साइड किक्स बनकर मेरे साथ काम करना चाहिए था, बजाय कि तुम उस जॉनी ब्लेज के लिए काम कर रहे हो। तो थोर ने कहा, जॉनी ब्लेज, वो कौन सा चू होगा जो ये मानता है कि हम जॉनी ब्लेज के लिए काम कर रहे हैं? तो फ्रैंक कहता है, ओके, अब समझ में आ रहा है, लगता है कि वो चू मैं ही हूँ, माफ करना गाइस, गलती हो गई, मैं भावनाओं में बह गया, अब मैं अपने बचाव में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं स्पेस में था और तब मुझे हेल में खींच लिया गया, जहाँ जॉनी ब्लेज किसी रेस के बारे में बात कर रहा था और पता नहीं क्या ही बके जा रहा था। मैं उस जॉनी ब्लेज को मारने ही वाला था, लेकिन अगले सेकंड उसने मुझे एक कार के अंदर भेज दिया। मैं वहाँ पे कैद होकर रह गया, मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ा, तुम लोगों से लड़ना पड़ा ताकि ब्लेज किसी रोबी नाम के बच्चे को उठा सके, उसे हेल ले जा सके। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, मुझसे पूछो कि क्या मुझे इन सब बातों से फर्क पड़ता है? कैप्टन मार्वल पूछती है। तो रोबी हेल में जॉनी ब्लेज के साथ है, अब हम हेल में कैसे पहुंचेंगे? ब्लैक पैंथर कहता है, कई सारे तरीके हैं, ब्लैक पैंथर होने के नाते मैं नेक्रोपोलिस का राजा हूँ जो वकांडन सिटी ऑफ डेड है, लेकिन मैं तुम लोगों को डायरेक्ट जॉनी ब्लेज के पास नहीं ले जा सकता। तो सब अवेंजर्स डेमन हेलस्ट्रॉम की तरफ देखने लगते हैं। डेमन ने कहा, मेरी तरफ मत देखो, तुम लोगों ने एक झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया था, तुम अवेंजर्स को अपने खुद की मदद करनी पड़ेगी। तो फ्रैंक कासल ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने अपना दिमाग बना लिया है, अब मैं जॉनी ब्लेज को मारना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारी अवेंजर्स की एक छोटी सी टीम ज्वाइन कर रहा हूँ। तो कैप्टन बोलता है, तुम एक अवेंजर तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो फ्रैंक ने कहा, लेकिन हम वहाँ पे सिर्फ लड़ने के लिए नहीं जा रहे, वहाँ पे घोस्ट राइडर्स का चैलेंज चला हुआ है, और अगर तुम भी उस चैलेंज में शामिल होना चाहो तो हमें एक काम की चीज बनानी पड़ेगी, तुम्हारे लिए एक सवारी। हेल के अंदर एली कह रहा है, तुम अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए रोबी, ये अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारी इकलौती फैमिली था। रोबी बोलता है, तुम एक मरे हुए साइकोपैथ हो एली, जो मुझे भी अपनी तरह एक मॉन्स्टर बनाना चाहता था। तो एली ने बोला, बच्चे मैं तुम्हें आज तक का सबसे डरावना घोस्ट राइडर बना देता, तुम्हारे सामने पापियों की लाइन लग जाती जो तुमसे दया की भीख मांग रहे होते। रोबी ने कहा, तुम एक पागल हो, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, और जब मैं ये रेस जीत जाऊंगा मैं फिर कभी एक घोस्ट राइडर नहीं बनूंगा। रॉबी उस डार्क सेलेशियल की बॉडी को चीरता हुआ आर पार चला गया। एली ने कहा, रॉबी
तुम तो जॉन ब्लेंस के कहे से भी ज्यादा बेवकूफ हो। अपनी फैमिली को बुरा दिखाना बंद करो। तुम इस रेस को जीतना चाहते हो, अपने भाई को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम एक घोस्ट राइडर हो और मैंने एक घोस्ट राइडर बनने में तुम्हारी मदद की। तुम एक मॉन्स्टर हो, चार पहियों वाले सबसे बड़े और सबसे बुरे मॉन्स्टर। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? तो रॉबी कहते हैं, तुम एक मॉन्स्टर देखना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा और इसके बाद तुम कभी किसी घोस्ट राइडर को नहीं देख पाओगे। एली कहता है, ओ हाँ बिल्कुल, मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम कौन हो, और सिर्फ मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा। तब रॉबी के सामने कोई आता है, जिसे देखकर वो कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सामने उसके पेरेंट्स थे जिन्होंने कहा, रॉबर्टो, हे भगवान, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये तुम क्या बन गए बेटा? तो रॉबी ने कहा, क्यों, कैसे, आप यहाँ पे कैसे हैं, आपके साथ क्या हुआ, क्या आप सच में मर चुके हैं? तो डैड बोलता है, हाँ बेटा हम मर चुके हैं। तो एली ने कहा, और अब तुम भी मर चुके हो, और अपने एक ही पंच से वॉइड ने हेल चार्जर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी जॉनी ब्लेज उसके पास से गुजरा और उसने कहा, काफी लंबा ब्रेक ले लिया रॉबी, लेकिन चिंता मत करो, एक बार मैं ये रेस जीत जाऊंगा और तुम्हारी पावर हासिल कर लूंगा। मैं तुम्हारी बाकी फैमिली को भी तुम्हारे साथ हेल में रहने के लिए भेज दूंगा। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए, मुझे पता है कि आप लोग करवा देंगे।